अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। एज यू नो डैट इट्स आवर मैथ्स लेक्चर एंड वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 4B। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर वन इज असद हैज़ अ स्ट्रिप ऑफ वुड 52 सेंटीमीटर लॉन्ग। He needs small pieces of wood 2.6 centimeter long. How many pieces can he cut from his strip? बच्चों, असद के पास एक स्ट्रिप ऑफ वुड है जो कि 52 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बच्चों, उस वुड के वो स्मॉल पीसीस जो है वो करना चाह रहा है जो कि 2.6 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी लेंथ है, जो स्मॉल पीस है। हमने फाइंड करना है हाउ मैनी पीसीज कैन ही कट फ्रॉम ही स्ट्रिप। बच्चों, हमने बताना है कि वो उस स्ट्रिप से जो है वो कितने पीसीज कट कर सकता है, मींस नंबर ऑफ पीसीज हमने बताने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम वो राइट करेंगे जो कि हमारे पास गिवन है। बच्चों, हेयर आई राइट लेंथ ऑफ स्ट्रिप ऑफ वुड, लेंथ ऑफ स्ट्रिप ऑफ वुड विच इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, हेयर द लेंथ ऑफ स्मॉल पीस इज 2.6 सेंटीमीटर। हेयर आई राइट लेंथ ऑफ स्मॉल पीस ऑफ वुड इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, वी फाइंड हाउ मैनी पीसीज मीन्स नंबर ऑफ पीसीज। हेयर आई राइट नंबर ऑफ पीसीज इज इक्वल टू, बच्चों जो हमारे पास टोटल लेंथ है स्ट्रिप की, जब हम उसको डिवाइड करेंगे बच्चों जो स्मॉल पीस की लेंथ है उससे, तो हमारे पास नंबर ऑफ पीसीज आ जाएंगे। सो स्टूडेंट, हेयर आई राइट 52 डिवाइडेड बाय 2.6, 52 डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 10। बच्चों, मैंने क्या किया, बच्चों डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आ रहे थे उतने ज़ीरो लगा दिए, तो ये मेरे पास आ गया 26 डिवाइडेड बाय 10। बच्चों, ये डेसिमल फॉर्म में था, इसको जस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नाउ स्टूडेंट्स, 52, बच्चों अगर मैं डिवाइड के साइन के जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगी तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारी फ्रैक्शन होगी बच्चों इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, विच इज़ 10 डिवाइडेड बाय 26। बच्चों 52 आप देख सकते हैं ये एक होल नंबर है। बच्चों, जब मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 जो है पुट कर दूंगी तो बच्चों ये एक फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। तो बच्चों, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हेयर बच्चों 52 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आंसर इज़ 520 डिवाइडेड बाय 26। बच्चों, हमारे पास 520 को जब हम डिवाइड करेंगे 26 से तो बच्चों आंसर इज़ 20। बच्चों मींस कि अगर हमारे पास स्ट्रिप ऑफ वुड की लेंथ 52 सेंटीमीटर हो और हम उसको स्मॉल पीसीस में कट करना चाह रहे हों जबकि स्मॉल पीस की लेंथ 2.6 सेंटीमीटर हो, तो बच्चों हमारे पास जो नंबर ऑफ पीसीस आएंगे विच इज़ 20। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। गुड लक फिफ्थ क्लास।